सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ल्स बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदय का आदेश जारी हुआ है, जो लीव मॉड्यूल में एक बड़े बदलाव को लेकर के मानव क्षमता पोर्टल के लीव मॉड्यूल में हुआ बड़ा बदलाव। जानिए क्या हुए पोर्टल के नियमों में ये बदलाव। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के अपडेट्स भी शिक्षा से जुड़ी ही खबरें आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए हमारे साथ महानिदेशक महोदय का आदेश। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज परियोजना निदेशक कार्यालय से 14 जुलाई 2022 को यह आदेश निर्गत हुआ है। विषय मानव क्षमता पोर्टल के लीव मॉड्यूल में किए जाने वाले परिवर्तन के संबंध में। महोदय, कृपया इस कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 30 जुलाई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मानव क्षमता पोर्टल के लीव मॉड्यूल कतिपय प्रावधान किए जाने का अनुरोध किया गया था। संज्ञान में आया है कि लीव मॉड्यूल पर निम्नलिखित प्रावधान उपलब्ध नहीं है। आवेदनकर्ता की लॉगिन से आकस्मिक अवकाश का आवेदन करते समय जुलाई से सितंबर माह के लिए 8 बजे के बाद तथा माह अक्टूबर से 20 मई के लिए 9 बजे के बाद उसी तिथि का अवकाश आवेदित न हो सके। प्रातः 5 से 9 बजे अवकाश स्वीकृत पर लगी रोक हटाना। अवकाश स्वीकृत पर निर्णय लेते समय जिस तिथि हेतु अवकाश आवेदित है उक्त विद्यालय में उस तिथि में कितने कार्मिक पूर्व से ही अवकाश पर हैं प्रदर्शित कराना। चौथा बिंदु, अवकाश निरस्तीकरण के ड्रॉप डाउन के प्रत्येक कारण के सामने कमेंट का प्रावधान करना। पांचवा बिंदु, स्वीकृत फॉरवर्ड प्रकरणों के संबंध में संलग्नकों को भविष्य में भी देखने योग्य बनाना। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया लीव मॉड्यूल में उक्त प्रावधान उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भौदी श्री विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। मानव क्षमता पोर्टल के लीव मॉड्यूल में हुआ बड़ा बदलाव। जानिए क्या हुआ पोर्टल के नियमों में बदलाव। आवेदनकर्ता की लॉगिन से आकस्मिक अवकाश का आवेदन करते समय जुलाई से सितंबर माह के लिए 8 बजे के बाद तथा माह अक्टूबर से 20 मई के लिए 9 बजे के बाद उसी तिथि का अवकाश आवेदित न हो सके। यह दूसरा बिंदु, प्रातः 5 से 9 बजे अवकाश स्वीकृत पर लगी रोक हटाना। अभी तक साथियों 5 से 9 बजे तक आपका मानव क्षमता पोर्टल ओपन नहीं होता था। यह रोक हटाए जाने संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। अवकाश स्वीकृत पर निर्णय लेते समय जिस तिथि हेतु अवकाश आवेदित है उस विद्यालय में उसी तिथि में कितने कार्मिक पूर्व से ही अवकाश पर हैं प्रदर्शित कराना। अब यह मानव क्षमता पोर्टल पर यह भर जानकारी मिलेगी कि इसके पहले कितने कर्मचारी उस विद्यालय के अवकाश पर हैं, उनको भी आप वहां से चेक कर सकेंगे। अवकाश निरस्तीकरण के ड्रॉप डाउन के प्रत्येक कारण के सामने कमेंट का प्रावधान करना। स्वीकृत फॉरवर्ड प्रकरणों के संबंध में संलग्नकों को भविष्य में भी देखने योग्य बनाना। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट थे जो मानव संपदा पोर्टल पर लीव मॉड्यूल को लेकर के थे। ये अपनी EHRMS लॉगिन से आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को शेयर कर दीजिए और यदि यह वीडियो पसंद आया हो, महानिदेशक महोदय का आदेश देखा हो, आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथियों को शेयर करिए। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।